हेलो गाइस, आपका इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे टॉप 3 मोबाइल जिसकी रेंज 10,000 से 12,000 की रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप भी कंफ्यूज हो कि 10,000 या 12,000 की रेंज में कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए हम टॉप 3 मोबाइल लेके आए हैं जिनकी रेंज 10,000 और 12,000 की रेंज में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको अच्छी बैटरी बैकअप और अच्छे कैमरा क्वालिटी और अच्छी बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर जो मोबाइल आता है टेक्नो पोवा 3, जो दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ था। तो इसके फीचर्स के बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो इसकी डिस्प्ले दोस्तों 6.9 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई, जो कि बहुत बड़ी है और जो बाकी MI, रियलमी, ओप्पो के मुताबिक ये सबसे बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी सही इंचे तो आपको 6.9 इंच दी गई है। अब बात कर लेते हैं कैमरे की। तो दोस्तों इसमें ड्यूअल कैमरा दिया गया है, एक प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस भी देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की। तो दोस्तों इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें सेल्फी की बजाय आपको बैक अच्छा देखने को मिलेगा। आप बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो इसमें दोस्तों MediaTek हेलो G88 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको गेमिंग करते समय कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। आप बात कर लेते हैं बैटरी की। तो इसमें दोस्तों 7000 mAh की बैटरी दी गई, जो कि बड़ी और अच्छी बैटरी बैकअप को देखने को मिल जाएगा। आप कुछ भी अब आराम से इसको एक दिन तक का यूज़ आराम से कर सकते हो। आप बात कर लेते हैं एंड्रॉयड की, बात कर लेते हैं तो एंड्रॉयड 2.11 OS पे काम करेगा दोस्तों ये। अब दोस्तों इसकी प्राइस की बात हम बात कर लेते हैं। तो इसकी 4 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी कीमत दोस्तों अमेजोन पे आपको देखने को मिलेगी 11,999 रखी गई है। यही दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में, जो कि दोस्तों 12,000 की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारा सेकेंड नंबर पर जो मोबाइल आता है रियलमी Narzo 50, जो दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ था। इसकी डिस्प्ले साइज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों इसकी डिस्प्ले 6.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों रियल कैमरे की बात कर लेते हैं, जिसमें दोस्तों 50 मेगापिक्सल का रियल कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया, वहीं 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस भी आपको देखने को मिलेगा। आप बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की। इसमें दोस्तों 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। आप बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो दोस्तों इसमें प्रोसेसर MediaTek हेलो G96 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग करते समय को आपको कोई इशू नहीं आएगा। डिस्प्ले की इसमें दोस्तों 5000 mAh की बैटरी देखी, जो कि बड़ी और अच्छी बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। आप बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो दोस्तों 4 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी कीमत दोस्तों 12,999 रखी गई है। तो दोस्तों जो मैंने प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ, ये अप एंड डाउन हो सकती है, कभी कम भी कभी ज़्यादा भी हो सकती है। अभी कभी ऑफलाइन में रहेगा तो कभी हाई रेंज में रहेगा, तो इसमें आप देख सकते हो अपने हिसाब से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड मोबाइल पर, जो लास्ट है हमारा। दोस्तों नाम है दोस्तों Infinix Note 11, जो दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ था। तो इसके डिस्प्ले साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी डिस्प्ले 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बढ़िया और अच्छी ग्राफिक्स समेत आपको देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों कैमरे की बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों ड्यूअल रियल कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, वहीं 2 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की। इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो इसमें दोस्तों MediaTek हेलो G88 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि तीनों का प्रोसेसर बढ़िया है और अच्छी गेमिंग करते समय कोई इशू नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो इसमें दोस्तों 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि बढ़िया है। वहीं दोस्तों एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड V11 पर यह काम करेगा। आप दोस्तों प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। जिसकी 4 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस दोस्तों 11,499 रखी गई है, जो कि आपके 12,000 के अंडर में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यही थे हमारे टॉप 3 मोबाइल दोस्तों की हाल ही में लॉन्च हुए थे। दोस्तों इनकी बैटरी बैकअप भी बढ़िया है और अच्छी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है।
तो आप इसका चॉइस कर सकते हो। कभी दोस्तों आपका बजट 15,000 से 20,000 की रेंज में, तो हमने भी उसके ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो भी आप जाके देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों बजट अप एंड डाउन हो सकता है, आप कभी एक बार आप लिस्ट देखोगे तो उसमें आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। और दोस्तों आपका कभी बजट 10,000-12,000 से भी कम है, जैसे कि 8,000 की रेंज का है, तो उसकी लिस्ट भी हमने बना रखी है, तो भी आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ये आपको हेल्पफुल वीडियो लगा हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों आज लेता ही, अगले मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।